हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम एके कार्स है। हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल्टो K10 का बेस मॉडल लाइव रिव्यू, जो कि आपको SSD गैराज के बदौलत हमें ये वीडियो मिल पाई है। तो उनको स्पेशली थैंक यू फॉर दिस वीडियो। तो पहले हम बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल बहुत ही शानदार है इस गाड़ी का, काफ़ी लुक अच्छी सेलेनर में आती है। 998 cc का ये आपको गाड़ी मिल जाती है। इसका फ्रंट लुक के बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको मिल जाता है एक हाइलोजन लैम्प, जो कि काफ़ी खूबसूरत इस गाड़ी को बनाता है। इसके साइड में मिल जाते हैं आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। आपको इसमें प्रोजेक्टर लैंप नहीं मिलता है, बट अपर क्लास में आपको मिलेगा। इसमें बैजिंग मिल जाता है आपको मारुति सुजुकी की, और नीचे आपको मिल जाता है एक बहुत सा बड़ा ग्रिल, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है। नीचे स्पॉटी टाइप को आपको दिखता है। आपको यहाँ पे वॉशर मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है पानी शीशा साफ करने में। और आपको ये रह गया साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में हम इसको देख लेते हैं। इसका आपको इसमें लेंथ मिल जाता है इसका 3530 mm, विड्थ मिल जाता है 1490 mm, हाइट मिल जाता है 1520 mm, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका व्हील बेस आपको मिल जाता है 2380 mm मिल जाता है। अब इसकी बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल कितना अच्छा लग रहा है। वो आपको एक टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें आपको इसके टायर्स की साइज़ आपको मिल जाती है 145/80 R13, जो कि आपको बेस मॉडल में ये टायर साइज़ आपको मिलती है। जैसे टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाती है, ORVM मिल जाती है, जो कि ब्लैक कलर से फिनिशिंग है, बहुत ही अच्छा है। इसमें डोर हैंडल भी मिल जाते हैं ब्लैक कलर के। उसके बगल में आपको चाबी लगाने वाला सिस्टम मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत ये गाड़ी लग रहा है ऑल्टो K10। आपको डोर हैंडल दोनों सेम ही मिल जाएंगे। इंटीरियर में बात कर लेते हैं, तो इंटीरियर आपको बाद में आपको दिखाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है इंटीरियर। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल भी बहुत ही खूबसूरत इस गाड़ी का है। साइड प्रोफाइल में आपको मिल जाता है बैक लाइट मिल जाता है, जो कि एक उसमें बैक टर्न इंडिकेटर उसी में इनबिल्ट है, और काफ़ी खूबसूरत इसको बनाया गया है। सिलेरियो का थोड़ा बहुत कॉपी इसमें किया गया है। सिलेरियो का भी आप पीछे बैक साइड से देखेगा तो आपको सेम एज इट इज़ मिलेगा। इसमें आपको कोई भी एंटीना नहीं मिलता है। इसमें आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, जो कि काफ़ी खूबसूरत बताता है इस गाड़ी को पीछे से बैकग्राउंड में। और आपको ये मिल जाता है बैजिंग मारुति सुजुकी की। उसके नीचे में आपको की करने के चाबी मिल जाता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहले यहाँ पे ऑल्टो K10 लिख के नहीं आती थी, मारुति सुजुकी की बैजिंग आती थी, वहाँ पे नाम पूरा लिखा हुआ रहता था। लेकिन अब यहाँ पे ऑल्टो K10 लिख के आ रही है, उसको हटा दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है उस चीज़ को। और इसके साइड में देख लेते हैं, पेट्रोल में आपको ये अभी आ रही है, CNG में भी अब आएगी ये गाड़ी। और पैक साइड से काफ़ी खूबसूरत ये गाड़ी लग रहा है।